तो देखो, अब हम लोग देख लेते हैं ये प्रोसीजर बिफोर ट्रिब्यूनल एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है, ट्रिब्यूनल और अपीलेट ट्रिब्यूनल प्रोसीजर क्या होगा, किस तरह से काम। ट्रिब्यूनल अपीलेट ट्रिब्यूनल देखो, 424, सेक्शन 424, ट्रिब्यूनल रेगुलेट देयर ओन प्रोसीजर बेस्ड ऑन नेचुरल जस्टिस। ट्रिब्यूनल अपना प्रोसीजर लगाएगा, नेचुरल जस्टिस होना चाहिए, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना, जस्टिस होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, न्याय। द ट्रिब्यूनल एंड द अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल नॉट वाइल डिस्पोजिंग ऑफ एनी प्रोसीडिंग बिफोर इट और एज द केस में बी एन अपील बिफोर इट बी बाउंड बाय द प्रोसीजर लेड डाउन बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। ये कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर क्या है, जैसे केस सिविल कोर्ट में चलता है, सिविल कोर्ट में केस के लिए प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, वही प्रोसीजर फॉलो करना होगा तो ट्रिब्यूनल को भी और अपीलेट ट्रिब्यूनल को। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर ये भी एक कानून है, कैसे प्रोसीजर मैंने प्रोसेस कैसे करना है उसके बारे में वहाँ लिखा हुआ कोड ऑफ सिविल। बट शैल बी गाइडेड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल, लेकिन ये गाइडेड होगा कैसे, तो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, प्रिंसिपल है नेचुरल जस्टिस, नेचुरली सबको जस्टिस मिलना चाहिए, उसके अनुसार ये गाइडेड। एंड सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 एंड एनी ऑफ द रूल्स मेड देयर अंडर, द ट्रिब्यूनल एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल पावर टू रेगुलेट देयर। ठीक है, तो सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट है कंपनीज एक्ट का, या इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, ये भी एक कानून आया, कोड आया, कोड कानून जो 2016, उसके अनुसार गाइडेड होगा। यह है नेक्स्ट देखो, वेस्टेड विद सेम पावर एज दैट ऑफ सिविल कोर्ट। यस, ट्रिब्यूनल अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास क्या है, वही पावर है जैसे सिविल कोर्ट के पास पावर है। द ट्रिब्यूनल एंड द एपिलेट ट्रिब्यूनल शैल हैव फॉर द पर्पसेज ऑफ डिस्चार्जिंग देयर फंक्शंस अंडर दिस एक्ट और अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। ये जो NCLT NCLAT बनाया गया, ये तुम्हारे जाके इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड का भी, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी एक कानून है, उसका भी ये एक ट्रिब्यूनल है, इसीलिए यहाँ इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड लिखा हुआ है बार बार। हम द सेम पावर्स एज आर वेस्टेड इन ए सिविल कोर्ट अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। सिविल कोर्ट को जो पावर दिया गया है वही पावर ट्रिब्यूनल के पास भी है और अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास भी है। वाइल ट्राइंग ए सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स, नेमली समनिंग एंड एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन एंड एग्जामिनिंग हिम ऑन ओथ। क्या बोल रहा है, क्या क्या पावर है, तो भाई कोई भी पर्सन को समन कर सकता है, बुलावा भेज सकता है, इन्फोर्सिंग द अटेंडेंस, ठीक है, उसको अटेंडेंस करवाएगा, वहाँ पर बुलाएगा, एंड एग्जामिनिंग हिम ऑन ओथ, ठीक है, हाँ ओथ मैंने क्या, शपथ दिलाएगा, शपथ दिला करके उससे क्या गवाह लेगा, बात सुनेगा, कौन, NCLT भी कर सकता है, CLT भी कर सकता है ये काम, सिविल प्रोसीजर कोड में जैसे होता है, उन लोगों के पास पावर है ना समन, मतलब वही नोटिस भेजना, एक समन भेजना, ना बुलावा भेजना, जो बोलो, बुलाएगा कोर्ट में, फिर उसको शपथ दिलाएगा, किताब में के कुरान में हाथ के बोलने के लिए बोलता है ना, उसी को बोलते हैं एग्जामिनिंग हिम ऑन ओथ। ठीक है, रिक्वायरिंग द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, रिक्वायरिंग द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट सब बुलाएगा, जितना पेपर ऊपर है डॉक्यूमेंट है वो सब भी बुला सकते, ठीक है, जो जो जरूरी होगा सब करेगा, और जाके डिस्कवरी मतलब रिक्वायर करेगा, प्रोडक्शन करने बोलेगा, लाने बोलेगा, और रिसीविंग एविडेंस ऑन अपीडेबिट, अपीडेबिट में एविडेंस लिया जाएगा, शपथ पत्र में अपीडेबिट में एविडेंस लिया जाएगा। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 123 एंड 124 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1822, रिक्विजनिंग एनी पब्लिक रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट और ए कॉपी ऑफ सच रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट फ्रॉम एनी ऑफिस। क्या बोला, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का सेक्शन 123 124 के अनुसार वो कोई भी डॉक्यूमेंट
या कॉपी का रिकॉर्ड कोई भी ऑफिस से बुलावा भेज ला सकता है। इशूइंग कमीशंस फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस और डॉक्यूमेंट, इशूइंग कमीशंस फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस और डॉक्यूमेंट, ठीक है। डिसमिसिंग ए रिप्रेजेंटेशन फॉर डिफॉल्ट और डिसाइडिंग इट एक्स पार्टी, डिसमिस कर सकता है किसी का रिप्रेजेंटेशन फॉर डिफॉल्ट और डिसाइडिंग इट एक्स पार्टी ऑर्डर निकाल सकता है। सेटिंग असाइड एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल ऑफ एनी रिप्रेजेंटेशन और डिफॉल्ट ऑफ एनी ऑर्डर पास्ड बाय इट एक्स पार्टी, मैं क्या कर सेटिंग असाइड एनी ऑर्डर, कोई ऑर्डर निकाल सकता है और सेटिंग असाइड कर सकता है ऑफ डिसमिसल ऑफ एनी रिप्रेजेंटेशन फॉर डिफॉल्ट और एनी ऑर्डर पास्ड इट एक्स पार्टी। एक्स पार्टी मतलब अपने से, ठीक है, पार्टी को छोड़ करके अपने से ऑर्डर निकाल, वो बुलावा भेजा, समन भेजा, वो नहीं आया, तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट अपने से एक ऑर्डर दे देगा ना, तो बोलते हैं एक्स पार्टी ऑर्डर, पार्टी नहीं आया, अब अपने से कोर्ट अपना ऑर्डर दे दिया। एनी अदर मैटर व्हिच में भी, ये सब क्या हम लोग देखें, सब तो पावर देखे, ठीक है, और ये पावर कहाँ लिखा हुआ है, ये पावर सब सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में लिखा हुआ है, सिविल प्रोसीजर कोड का, ठीक है, जो पावर है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का, मैं सिविल कोड का, वही तो पावर एनसीएलटी और एनसीएलटी के पास भी है। नेचर ऑफ डिक्री एंड इट्स एग्जीक्यूशन, एनी ऑर्डर मेड बाय द ट्रिब्यूनल और द अपीलेट ट्रिब्यूनल मे बी एनफोर्स्ड बाय दैट ट्रिब्यूनल इन द सेम मैनर एज इफ इट वेर ए डिक्री मेड बाय ए कोर्ट, ठीक है, डिग्री देना मैंने वही जजमेंट डिग्री दिया, तो कोर्ट डिग्री देता है ना कि डिग्री हो गया भाई, मेरा डिग्री हो गया, हम जीत गए, इसी तरह, ठीक है, एनसीएलटी भी ऐसा डिग्री देगा, समझ में रहा। नेक्स्ट देखो क्या बोला, देखो देखो ये सब हम लोग देख लेते हैं, और देखो क्या बोल रहा, एंड इट शैल बी लॉफुल फॉर द ट्रिब्यूनल और द अपीलेट ट्रिब्यूनल टू सेंड फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ इट्स ऑर्डर्स टू द कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ विच जुरिस्डिक्शन इन द केस ऑफ एन ऑर्डर अगेंस्ट ए कंपनी द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएट और इन केस ऑफ एन ऑर्डर अगेंस्ट एनी अदर पर्सन द पर्सन कंसर्न्ड वॉलंटरीली रिसाइड्स और कैरीज ऑन बिजनेस और पर्सनली वॉक्स और गेन, क्या बोल रहा कि लॉफुल फॉर द ट्रिब्यूनल, ठीक है, हाँ, और द अपीलेट ट्रिब्यूनल टू सेंड फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ इट्स ऑर्डर्स टू द कोर्ट, ठीक है, क्या करेगा, टू सेंड फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ इट्स ऑर्डर, मैंने वो जो एनसीएलटी जो ऑर्डर निकाला, ठीक है, मैंने जो जजमेंट दिया वो अब एग्जीक्यूट तो करना होगा ना, वो तो अब एग्जीक्यूट जैसे हो, मतलब वो जैसे लागू करवाया जाए, तो लागू करवाने के लिए अब वो ऑर्डर वो भेजेगा ना किसको, कोर्ट को, ऐसा कोर्ट को भेजेगा, ठीक है, हाँ, वहाँ से फिर एडमिनिस्ट्रेशन जो भी है एडमिनिस्ट्रेशन को भेजेगा, पुलिस को भेजेगा, ये भी जाके ये अप्लाई करवाओ, वहाँ एनसीएलटी ऑर्डर तो दे दिया, अब वो लोकल कोर्ट को भेज देगा। देखो इन द केस ऑफ एन ऑर्डर अगेंस्ट ए कंपनी, कोई कंपनी के अगेंस्ट में यदि ऑर्डर निकाला वो, तो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस जहाँ सिचुएट है ना, वहाँ का लोकल लिमिट में जो भी कोर्ट है वहाँ पर वो ऑर्डर चला जाएगा, अब वो कोर्ट उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करवाएगा, एग्जीक्यूट मतलब उसको लागू करवा देगा, ठीक है, मान लो ऑर्डर निकाला कि भाई ये कंपनी का ये सब संपत्ति जब्त किया जाए, ठीक है, तो वो कोर्ट वो सब संपत्ति जब्त करेगा, या कोई पर्सन का अगेंस्ट में यदि निकाला, अब पर्सन जहाँ रहता है वहाँ का जो भी कोर्ट है, ठीक है, उसको वो अपना ऑर्डर पास कर देगा, ऑर्डर दे देगा, और वो कोर्ट फिर क्या करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा। नेचर ऑफ प्रोसीडिंग्स, ऑल प्रोसीडिंग्स बिफोर द ट्रिब्यूनल और द अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल बी डीम्ड टू बी जुडिशियल प्रोसीडिंग विद द मीनिंग
ठीक है, विद इन द मीनिंग। देखो ये सब पूरा पूरी लॉ का लैंग्वेज है, जुडिशियल, ठीक है, मैंने कानूनी प्रोसीडिंग, मतलब जो चलता प्रोसेस, प्रोसीडिंग जो चलता है, कामकाज जो चलता है कोर्ट में, वो सब विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 193 एंड 228 एंड फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 196 ऑफ द इंडियन पिनल कोड। तो ये सब देखो वेरियस कोड हम लोग देख रहे हैं, कोड, इंडियन पिनल कोड, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ठीक है, ये तुम लोग के लिए उतना काम का नहीं है। देखो पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट सेक्शन 425, ठीक है, तो पावर टू पनिश, पनिश करने का पावर है, ठीक है। द ट्रिब्यूनल एंड द अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल हैव द सेम जुरिस्डिक्शन पावर्स एंड अथॉरिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ देमसेल्व्स एज द हाई कोर्ट हैज एंड मे एक्सरसाइज फॉर दिस पर्पज द पावर्स अंडर द प्रोविजन्स ऑफ द कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1970। हो देखो कितना एक्ट है, देख रहे हो, वेरियस एक्ट का नाम लिखा हुआ है। अब वो एक्ट क्या है मत पूछना, बस लिखा हुआ ठीक है, ओनली फॉर तुम लोग क्या इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहे। तुम लोग का कोर्स में तो वो सब है, बीकॉम का कोर्स में तो वो सब है जो भेजे थे, ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं भाई क्या है नहीं है, बढ़िया से देख लो। वी शैल हैव द इफेक्ट सब्जेक्ट टू मॉडिफिकेशन दैट द रेफरेंस देयर इन टू ए हाई कोर्ट शैल बी कॉन्स्टिट्यूट एज इंक्लूडिंग ए रेफरेंस टू द ट्रिब्यूनल एंड द अपीलेट ट्रिब्यूनल एंड द रेफरेंस टू एडवोकेट जनरल इन सेक्शन 15 ऑफ द सेड एक्ट शैल बी कॉन्स्टिट्यूट एज ए रेफरेंस टू सच लॉ ऑफिसर्स एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई इन हिज बिहाफ। ये पढ़ के एक बार छोड़ देना। डेलीगेशन ऑफ पावर, पावर को डेलीगेट भी कर सकता है, मतलब दूसरा को सौंप सकता है। द ट्रिब्यूनल अपीलेट्स ट्रिब्यूनल बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर डायरेक्ट सब्जेक्ट टू सच कंडीशन इफ एनी एज मे बी स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर एनी ऑफ इट्स ऑफिसर्स और एम्प्लॉइज और एनी अदर पर्सन। वो ठीक है, ऑफिसर एम्प्लॉई या कोई पर्सन को क्या कर सकता है, अपना पावर दे सकता है, ठीक है, इस सब को देख लेना, ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। सिविल कोड नॉट टू हैव जुरिस्डिक्शन सेक्शन 430 बोल रहा कि नो सिविल कोर्ट शैल हैव जुरिस्डिक्शन टू एंटरटेन एनी सूट और प्रोसीडिंग इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर व्हिच द ट्रिब्यूनल और अपीलेट ट्रिब्यूनल इज एम्पावर टू डिटरमाइन बाय और अंडर दिस एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स एंड नो इंजंक्शन शैल बी ग्रांटेड बाय एनी कोर्ट और अदर अथॉरिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी एक्शन टेकन और टू बी टेकन इन परसुएंस ऑफ एनी पावर कॉन्फर्ड बाय और अंडर दिस एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स बाय द ट्रिब्यूनल और द अपीलेट ट्रिब्यूनल। क्या बोल रहा है, जो सिविल कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल कोर्ट, उन लोगों के पास पावर नहीं है, वो लोग कोई केस नहीं ले सकता, ठीक है। वो केस यदि कंपनी से रिलेटेड है और एनसीएलटी के पास जाना चाहिए तो एनसीएलटी में ही वो केस फाइल करना होगा। सिविल कोर्ट का वो पावर नहीं है कि वो लोग वो केस ले ले। कोई मान लो गया सिविल कोर्ट धनबाद, धनबाद में जाके बोल रहा कि भाई ये केस फाइल करना है, तो कोर्ट मान लो वो केस को ले लिया, जबकि वो केस उसको लेना ही नहीं चाहिए था, तो वो कोर्ट लेगा नहीं, लोगों पास पावर नहीं है, ठीक है। ये बोल दिया सेक्शन 430 सिविल कोड नॉट टू हैव जुरिस्डिक्शन, ठीक है, वो उसका जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है। कंपनी से रिलेटेड मैटर वो लेगा ही नहीं, वहाँ पर होगा ही नहीं, वो बोल देगा भाई वहाँ जाओ एनसीएलटी में जाओ। मेरा तो ये सब एक बार पढ़ लेना, पढ़ लेना मतलब, और क्या पढ़ोगे, देख लिया। ठीक है ये सब देख लोगे तो एनसीएलटी एनएस एनसीएलटी ये हो गया तुम लोग का मोटा मोटा।